किसी को गुरु मानने से पहले उसके साथ कुश्ती करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पता चले कि गुरुदेव मिट्टी के ही हैं, तुमने कुश्ती करी नहीं कि ढह गए, फिर तुम्हें अपने ऊपर शर्म आएगी कि इनको मैं अभी तक गुरु बनाए हुए था। वो गुरु बने इसीलिए हुए थे क्योंकि तुमने कभी सवाल नहीं उठाया, तुमने कभी आपत्ति नहीं उठाई, तुमने कभी उनके साथ कुश्ती करी ही नहीं। बहुत ज़रूरी है। और कुश्ती लड़ने के बाद फिर जो तुम्हारे भीतर से आदर उठेगा वो आदर असली होगा, क्योंकि तुमने जान का जोर लगा दिया गुरु को हराने में, उसकी बात को गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी तुम गलत साबित कर नहीं पाए, तो अब जो आदर उठेगा वो सच्चा होगा। और अगर गलत साबित कर दिया तो अच्छी बात, जान बची तुम्हारी, नकली आदमी के झांसे में आने से बच गए। पर हम सब में, पूरी दुनिया में ही, खास तौर पर भारतीयों में तुरंत झुक जाने की प्रवृत्ति बड़ी गंदी है। किसी ने गिरुआ वस्त्र धारण किया नहीं, या किसी ने बाल मुंडाए नहीं, या किसी ने संस्कृत के चार श्लोक बोले नहीं, या किसी ने अपने नाम के साथ गुरु सदगुरु आचार्य लगाया नहीं, कि तुरंत तुम्हारे जय भगवान जी की, जय भगवान जी की। बहुत लोग तो संस्कृत सुन के ही गिर जाते हैं, चाहे संस्कृत में कुछ भी बोला जा रहा हो, संस्कृत में यही बोला जा रहा हो कि अस्पताल का रास्ता उधर है, वो इतना ही सुन के तुरंत लेट ही जाएंगे जमीन पर, संस्कृत बोली। क्यों भाई, तुम्हारा जीवन इतना हल्का है कि तुम उसे कहीं भी समर्पित कर दोगे? बोलो। तुम्हें अपनी चेतना, अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धिमत्ता के प्रति कोई सम्मान नहीं है? बुद्धू भी तुम बनाए जाते हो तो इसीलिए, क्योंकि बुद्धू बनने को तैयार हो। जैसे छोटे बच्चों को कहानियां नहीं सुनाई जाती, उड़न खटोला, या आसमान में जंगल था, वैसे बड़े बड़ों को भी कहानियां सुनाई जा रही हैं और बड़े बड़े भी बुद्धू बन रहे हैं। कोई अध्यात्म के नाम पे बता रहा है कि उड़ते हुए सांप आते हैं और उन सांपों से सिद्धि होती है कि जीवन दान मिलता है, और तुम सुन रहे हो सांप। क्या उम्र है भाई? जब 10वीं में बोर्ड में तुम साइंस का पेपर देने जा रहे थे, तब याद है ना विज्ञान को लेकर के कितने गंभीर थे, एक एक बात तुमने समझनी चाहिए थी। भौतिकी के, रसायन शास्त्र के, जीव शास्त्र के सूत्रों को तुमने समझना चाहा था, और जब 12वीं में पहुंच गए थे तब तो एंट्रेंस का सवाल था, तब तुम गहराई से घुसे थे फिजिक्स में, और तुमने कहा था जीवन में ये बहुत कीमती बात है, मुझे समझना है कि दुनिया कैसे चलती है। तुम जानना चाहते थे फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, तुमने ग्रेविटेशन को समझा, तुमने न्यूक्लियर फोर्सेस को समझा, और आगे तुमने अगर इंजीनियरिंग करी या साइंस की पढ़ाई करते रहे तो तुमने क्वांटम फिनोमेना को भी समझा।
और आज तुम्हारे सामने लोग बैठते हैं जो एक से एक अवैज्ञानिक बातें कहते हैं और तुम सुन लेते हो, और फिर तुमको ताज्जुब होता है कि जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। फिर तुमको ताज्जुब होता है कि कोई भी जवाब पूरा क्यों नहीं पड़ रहा। तुम अगर अनपढ़ होते और फिर तुमको कोई अंधविश्वास की कहानियां सुना के बुद्धू बना रहा होता तो मैं समझ भी पाता, पर अनपढ़ तो नहीं हो। यहाँ पीएचडी बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, आर्किटेक्ट बैठे हैं, उसके बाद भी कुछ भी चल रहा है। उड़न खटोलों की बातें हो रही हैं। जिज्ञासा करो, सवाल उठाओ, अगर मेरा वीडियो सुनती हो तो उसमें मैंने क्या कहा है ये भी तभी समझोगी जब बात से उलझोगी, बात के साथ ज़रा लिप्त हो जाओगी, बात से एक गहरा आत्मीय संबंध, एक एंगेजमेंट बनाओगी। वो एंगेजमेंट ही नहीं है, ऊपर ऊपर सुन लिया कि गुरुदेव बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। और जब तुम सवाल नहीं करते तब तुम गुरुदेव के साथ भी अन्याय ही कर देते हो। आधे गुरुओं को तो उनके अंधभक्त बिगाड़ते हैं, क्योंकि गुरुओं को साफ पता चल जाता है कि अब हम पर कोई सवाल उठाने नहीं वाला, तो फिर वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, क्योंकि कोई तहकीकात तो होने नहीं वाली, कोई अकाउंटेबिलिटी तो बची नहीं है, कुछ भी बोलो। क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किस प्रकार, ये पूछा करो। जब मेरी कही किसी बात से संघर्ष करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने शायद वो कहा ही नहीं जो तुम्हें लग रहा था कि मैंने कहा। और क्या पता मैंने जो कहा वो कोरी बकवास हो, ये संभावना खारिज क्यों करते हो। तुम्हें कैसे पता टेबल के इधर जो बैठा है वो कोई ज्ञानी ही है, वो कोई धूर्त ठग क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें कैसे पता। फिर कह रहा हूं, बात जिंदगी की है, परखना जरूरी है ना। कहीं से कपड़ा भी लेते हो तो पहले जरा उसको परख के लेते हो, और यहां तो तुम जीवन की मूलभूत सीख ले रहे हो किसी से, परखोगे नहीं। पानी भी पीते हो तो पहले देख लेते हो गंदा तो नहीं है, कहां से ले रहे हैं। दवाई लेते हो तो और सावधान होकर के लेते हो, और जीवन का ही ज्ञान जिससे ले रहे हो उससे यूं ही ले लोगे, कोई सावधानी नहीं।